नमस्कार, एनबीएससी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। चाकसू कस्बे में टोंग रोड स्थित कोटखावड़ा मोड़ में डॉक्टर बीआर अंबेडकर सर्किल के पास कोटखावड़ा रोड पर एटीसी टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नगर पालिका द्वारा मोबाइल टावर लगाने की एनओसी देने की बात को लेकर नाराज स्थानीय निवासियों व दुकानदारों ने वार्ड नंबर 30 के पार्षद दिनेश शर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर एनओसी को रद्द करवाने की मांग की। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस मोबाइल टावर को लगाने से नहीं रोका गया तो हम उग्र आंदोलन करने को तैयार हैं। कोटखावड़ा मोड़ पर भीड़ भाड़ व आबादी क्षेत्र होने के कारण राहगीरों व दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय पार्षद दिनेश शर्मा ने मोबाइल टावर की एनओसी को रद्द करवाने को लेकर अधिकारियों को भी अवगत करवाया था और कहा था कि इस प्राइवेट मोबाइल टावर कंपनी की एनओसी को रद्द करके कहीं कस्बे से दूर लगाया जाए। यदि इसकी एनओसी रद्द नहीं की गई तो हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर स्थानीय निवासी एवं दुकानदारों की भारी भीड़ मौजूद रही। एक एटीसी प्राइवेट लिमिटेड मोबाइल कंपनी है, उसके द्वारा यहाँ पर एक मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिसका सभी वार्डवासियों ने कोटखावड़ा मोड़ पे जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने सबने विरोध किया है। और मैं यहाँ का वार्ड पार्षद होने के नाते इसका विरोध करता हूँ। ये शर्मा जनरल स्टोर के जस्ट सामने है, पास ही में कोटखावड़ा मोड़ है, अंबेडकर सर्किल है और यहाँ पे लोगों का आवागमन रहता है। तो मैं ये सभी आसपास के दुकानदार हैं, आमजन हैं, सब इसका विरोध कर रहे हैं और ये यहाँ नहीं लगना चाहिए। मैं नगर पालिका प्रशासन से पुनः निवेदन करता हूँ, इसकी एनओसी रद्द करके इसको घनी आबादी क्षेत्र से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट।